आज जो हम लोग एडिटोरियल करने वाले हैं वो बहुत ही लेटेस्ट यानी कि 10 अगस्त को प्रेजेंट हुआ था, यानी कि आज 12 अगस्त है, 10 अगस्त, इसका मतलब तुम आप करेंट में आ चुके हो, जो अभी चल रहा है वही कर रहे हो, एग्जैक्टली वही कर रहे हो, ठीक है। इसमें हम लोग 3 चीज़ के बारे में जानकारी करेंगे। इसमें रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स के बारे में बताएंगे, रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स 2.0 जो कि इकोनॉमिक्स का, वो भी इकोनॉमिक्स नहीं, कोर इकोनॉमिक्स जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, उसके बारे में डेप्थ में जानने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। और रिस्ट्रक्चरिंग लोन्स 2.0 जब बताएंगे तो उससे पहले रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 हुआ था उसके बारे में भी जानकारी करेंगे। और उसमें हम तुम लोग को बताएंगे रघुराम राजन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, और 2010 के बाद या 2008 के बाद जो NPAs नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बैंक में बढ़ा है उसका हम समीकरण जानेंगे, उसके इक्वेशंस के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्यों बैंक इतने कर्ज के तले दबा हुआ है, क्या इसका कारण है, बात समझे। और अभी COVID-19 में ये रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 इसलिए हो रहा है COVID-19 को देखते हुए, क्योंकि COVID-19 में क्या है कि लोग के पास पैसा नहीं है EMI पे करने के लिए, है कि नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कॉरपोरेट हो, कॉरपोरेट तो पहले ही दिक्कत दे रहा था, मगर अब इंडिविजुअल्स के पास भी दिक्कत है, पे नहीं कर पा रहे, अपना ही घर में कंडीशंस देख लो, है कि नहीं है। दूसरा देखो, एविएशन सेफ्टी हो गया ना जी, केरला में इतना बड़ा कांड, हाँ एयरपोर्ट हो गया ना वहाँ पे, क्या हुआ, फ्लाइट ठीक से लैंडिंग नहीं हुआ, त्रासदी आ गया, है ना। और ऐसा एक नया बात नहीं है, 2010 में मैंगलोर में भी हुआ था, व्हाट इज दिस, जब एक बार हो गया तो आप काहे नहीं सीखे अपने पास से, एक बार जो तुम मिस्टेक कर दिए हो आप मिस्टेक नहीं सीख रहे हो अपने आप से, ये मिस्टेक दोहराया जा रहा है। और यहीं पे ऐसे मुझे बोलना नहीं चाहिए बाबू, हम इसलिए तुम लोग को बोलते ना कि कोई भी सोर्स सही नहीं है, इसको ठीक से ललन टॉप भी ठीक से कवर नहीं किया गया है, ललन टॉप में केवल 3 बताया था कि टेबल लैंड होता है एयरपोर्ट का, हकीकत में उससे ज़्यादा है, इसलिए बोलते हैं हमको संदेह है। और हमको क्यों संदेह है तुम आज पढ़ा देंगे, तुम जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि मेरा संदेह भी जेन्यून है। थर्ड देखो, फिर चाइना का बात आ जाएगा, देखो चाइना रहने वाला है, भर साल रहने वाला है, तो भर साल जब रहेगा पूरी साल रहेगा तो इसका मतलब 1-2 क्वेश्चन जरूर रहेगा मेंस में, क्योंकि मेंस उसी चीज़ को पूछता है जो लगातार सुर्खियाँ में रहता है, लगातार हेडलाइंस में रहता है। तो यहाँ तो बोला चलो ठीक है, इंडिया उसको मना कर रहा है, चाइनीज ऐप्स बंद कर दिया, मगर इंडिया ही नहीं वर्ल्ड उसको बैकलैश कर रहा है, वर्ल्ड आगे मूव कर गया, बताए सब बताए, उसको सिमुलेट कर देना, ये जितना बताएंगे ना इसके बारे में चर्चा हो चुका है, ठीक है, चर्चा हो चुका है, मगर थोड़ा नया डायमेंशन देखेंगे, अलग अलग कंट्रीज किस तरह भूमिका अपना बांध रहा है चाइना को नीचे दिवाने के लिए, नीचे गिराने के लिए, ठीक है। तो आज हम लोग 3 एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे, और 3 एडिटोरियल में सबसे जो जटिल एडिटोरियल है वो नंबर 1 एडिटोरियल है, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और देखो फटाफट तुम लोग का मेंस का सिलेबस रख लो पास में। बिजनेस लाइन का आया हुआ है ये 7 अगस्त, ठीक है, उससे मतलब नहीं है 7 अगस्त का कि 8 अगस्त का, ये मतलब क्या कि अगस्त का एडिटोरियल है, समझे। फटाफट देखना है GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। दिखाओ हमको कहाँ पे है फर्स्ट नंबर, देखो सभी लोग देख लो, स्टूडेंट लोग जो नहीं लाया कोशिश करो कल से लाने का, ठीक है, सभी देख लिए नंबर 1, चलो फाइन, चलो। अब बाबू बताने से पहले हम कुछ चीज़ बताना चाहेंगे तुमको, ठीक है, ये बताने से पहले हम तुमको कुछ चीज़ बताना चाहेंगे, उसमें समझने का प्रयास करो, क्योंकि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत ज़्यादा एक लाइन का आपको बहुत ज़्यादा समझना होता है, ठीक है। देखो हुआ क्या, हमारे कंट्रीज़ में लोन का जो प्रक्रिया है स्पेशली कॉरपोरेट लोन, ठीक है ना, वो बहुत ही दुविधाजनक है। क्यों ऐसा है, किसी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से समझो ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ रिपीट होने वाला चीज़ है, और ये चीज़ 2008 से रिपीट हो रहा है, अभी का कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो तुम 24-25 में भी यही कॉन्सेप्ट रहेगा, बात समझे। देखो हुआ क्या कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में, इसका क्लासिकल एग्जांपल मालिया वगैरह भी है, देखो क्या होता है कि जब कॉरपोरेट लोन मिलता है तो कॉरपोरेट लोन मिलना मतलब बहुत ही ज़्यादा 50 करोड़ 500 करोड़ तक चला जाता है, ठीक है। अब तुम सिंपल से कोई इंडिविजुअल लोन, अब हम इंडिविजुअल लोन लेंगे तो मेरा सर्टन है 5 लाख 6 लाख, है ना, यदि
मेरा NPS भी हो गया। तो NPS का मतलब क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। अब देखो मैं शब्द को तोड़ता हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पहले एसेट को समझते हैं कि एसेट क्या होता है बैंकिंग सिस्टम में, ठीक है। दो चीज़ होता है, एक एसेट होता है और एक क्या होता है, लाइबिलिटी। एक्सीलेंट, लाइबिलिटी होता है। देखो बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक लोन देता है उसको एसेट कहते हैं, उसको एसेट। क्यों? लोन दिया है तो लोन के ऊपर EMI और इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए उसका वो क्या, धनराशि हो गया। मगर जो बैंक एक्सेप्ट करती है, बैंक एक्सेप्ट करती है, वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब क्या, बोझ है। वो बोझ है क्यों? क्योंकि उसको लौटाना है बैंक को। तो तुम लोग को क्या लगेगा, लेमैन आदमी को क्या लगेगा कि जो पैसा आया वो ना एसेट हुआ जी, होगा कि नहीं होगा? और जो दे दिए तो वो तो लाइबिलिटी हुआ, वो तो चला गया। गलत बात है, ऐसा नहीं, उल्टा है। मैं उल्टा होने का भी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पैसा हम दिए हैं तो उससे मेरा फलेगा फूलेगा बिजनेस, इसलिए वो मेरा राशि है, मेरा एसेट है। समझे बात को? लाइबिलिटी जो हमको दिया है वो हमको लौटाना है, इसलिए मेरे ऊपर बर्डन है। समझ गए? बैंकिंग सिस्टम में लाइबिलिटी क्या होता है, एसेट क्या होता है। अब NPS की तरफ मूव करते हैं। NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो अब एसेट है, इसका मतलब लोन दिए हैं, समझ गए? जब बैंकिंग सिस्टम लोन देता है तो आपको EMI कम से कम आपको मंथली देना होता है, ठीक है। और आपको इसका इजाज़त 90 दिन तक दिया आता है कि आप 90 दिन तक कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। और यदि 90 दिन के बाद पैसा वापस नहीं आ रहा है बैंक में, तो वो जो एसेट दिया था, लेट से 10 करोड़ दिया था, वो NPS घोषित हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब वो एसेट बैंक का जो काम ही नहीं कर रहा है, नॉन परफॉर्मिंग, यही हुआ ना नॉन परफॉर्मिंग। तो क्या हो रहा है कि 2018 और 9 के बाद में देखोगे तो क्या हो रहा है कि NPS एक्चुअल में बैंकिंग सिस्टम में बढ़ रहा था, मैं वो कागज पे नहीं दिख रहा था, वो अंदर दिख रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग का बात आ जाता है। देखो यहाँ पे तुमको एक चीज़ समझना होगा लॉ के हिसाब से, जब रीस्ट्रक्चरिंग 1.0 जो तुम्हारा रघुराम राजन के टाइम में हुआ था, उसके अंतर्गत क्या हुआ कि यदि आपका एसेट NPS घोषित हो गया, आपका एसेट क्या घोषित हो गया, NPS, यानी कि 90 दिन तक आपको नहीं मिला वापस, ठीक है, नॉन आपको इंटरेस्ट या वो पैसा मूल राशि नहीं मिला, ठीक है, तो आप NPS घोषित कर दिए। अब जब NPS आप घोषित करते हैं तो आपको प्रोविजनिंग करना होता है। प्रोविजनिंग का मतलब समझो, प्रोविजनिंग का मतलब है कि बैंक के पास, बैंक यदि 10 करोड़ दिया है तो 15%, 10 करोड़ का 15% बैंक को अपने बैंक में अलग से रख देना होता है, उसको अलग से रख देना होता है। क्यों? क्योंकि बैंक का हेल्थ सिस्टम पैसा पे डिपेंड करता है। तो 15% बैंक क्या करेगी कि मेरा NPS हो गया, 100 करोड़ रुपया दिए थे, अब 15% हमको असाइड करना है, मैं इससे बैंक का फंक्शन में दिक्कत होगा, तो 15% अलग कर दिया और 15% अब खर्च नहीं करेगा। तो यानी कि बैंक का जो फंक्शन करने का तरीका था, पैसा देने का तरीका था, लोन देने का तरीका था फ्यूचर में, उस पर दिक्कत होगा क्योंकि उसको असाइड करना पड़ा। बात समझे? अब दूसरा देखो, अब यहीं पे रीस्ट्रक्चरिंग का बात आ जाता है। ये एक्चुअली जो प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से आपका NPS घोषित हो गया तो आपको प्रोविजनिंग कितना करना है, 15%। यही शब्द बैंक में प्रोविजनिंग कहते हैं इसको, जो उस समय पूछ के हम गए थे कि प्रोविजनिंग क्या है, कि आपको सर्टन अमाउंट ऑफ मनी अलग रखना है क्योंकि आपका अकाउंट, आपका लोन क्या हो गया, बैड चला गया, ठीक है। तो उस समय क्या था कि, मगर NPS घोषित नहीं हुआ है अभी, NPS घोषित होना बैंक के ऊपर है। बात समझ में आ रहा है ना तुमको, 90 दिन में नहीं मिला है तो NPS से पहले एक और भी चीज़ होता है, वो चीज़ हम तुमको थोड़ी देर में बताएंगे, उसका टेक्निकल शब्द है। तो उसमें क्या कि यदि NPS घोषित नहीं है मगर तुमको लग रहा है कि हो सकता है फ्यूचर में NPS घोषित हो सकता है, तो उसके लिए ही तुम रीस्ट्रक्चरिंग शुरू करते हो। और कभी भी बैंक मान लो 10 करोड़ दे रही है और उसको लग रहा है कि हो सकता है कि वो दिक्कत हो सकता है, तो उसका नॉर्मल क्या है कि 5% आप प्रोविजनिंग रख दो। नॉर्मल क्या है, 5% रख दो, NPS हुआ तो 15% रख दो। ये सिक्योरिटी मनी है कि कहीं आपका एसेट, आपका लोन ठीक से काम नहीं करे तो कम से कम आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आपका फंक्शन आने वाले समय में चले बैंक का, समझे। अब हुआ क्या, अब 2008 के बाद हुआ क्या कि जानबूझ के बैंक को पता था कि मेरा NPS हो रहा है, मेरा NPS हो रहा है, NPS होने के बाद भी वो घोषित नहीं कर रहा है। क्यों? यदि घोषित कर देगा तो 15% रखना पड़ेगा,
और यदि घोषित नहीं करेगा तो 5% रखना पड़ेगा, तो वो घोषित ही नहीं कर रहा है, वो घोषित बिल्कुल ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे एंट्री होता है एक हीरो का, RBI का गवर्नर एक हीरो आते हैं जिनका नाम है रघुराम राजन। रघुराम राजन बोलते गलत है, बहुत गलत है, बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल दे दिए। अब बोले कि जल्दी घोषित करो NPS, जल्दी घोषित करो, यदि NPS हो जल्दी घोषित करो। जब घोषित करना बैंक शुरू किया तो प्रोविजनिंग होना शुरू हो गया, तो हेल्थ और बिगड़ते चला जाएगा बैंक का, क्वांटम जंप हो गया एक ही बार में, पता लगा कि धड़ल्लेस NPS है, पूरा बैंकिंग सिस्टम बर्बाद, पूरी तरह से बैंकिंग सिस्टम बर्बाद, और ट्रेंड बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये बैंकिंग सिस्टम का मैसिव फेलियर है कि उसने सही टाइम पे NPS को घोषित नहीं किया, बिकॉज ऑफ डेट प्रोटोकॉल, डेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, समझ गए। तो अब कोविड में क्या केसेस सर, कोविड में ये है कि कॉरपोरेट, अब देखो कोविड के टाइम में कोई बिजनेस एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है, तो कहाँ से EMI दिया जाएगा, है कि नहीं है। जैसे तुम लोग कमा नहीं रहे हो तो कहाँ से हम तुम लोग को ज़बरदस्ती पुश करें फीस के लिए, ये भी सोचने वाली बात है, क्या कि ये अंडरस्टूड है कि नहीं है, सोचने वाली बात है। तो बैंक भी सोचेगी, तो बैंक ने क्या बोला कि जो ईमानदार आदमी है, इंडिविजुअल है, जो अपना पे कर रहा था मंथली टू मंथली, यानी कि एक दिन से लेकर 30 दिन तक वो पे कर दे रहा था, 30 दिन का गैप होता है ना मंथली, तो ऐसा आदमी जो पे कर रहा था और अभी पे करने के उसमें नहीं है, सक्षम नहीं है, तो उसको छूट है, उसको छूट नहीं है, इसी को बोलते हैं SMA1 स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 3, 2, 3, इस तरह बैंकिंग सिस्टम में होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट जो 0 है उसके अंतर्गत क्या होता है, यदि एक दिन से लेकर 30 दिन के बीच में कोई इंडिविजुअल्स या कॉरपोरेट पैसा नहीं दिया तो उसको हम छूट देंगे COVID-19 के हिसाब से। बात समझ में आया, कि यही रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 है। पहला रीस्ट्रक्चरिंग कौन किए थे, रघुराम राजन किए थे, और अब ये किए, समझ में आया चीज। अब बढ़ो आगे, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलाउस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स, समझे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स को मौका दे रहा है। देखो RBI allowed one time restructuring of loans, एक टाइम दे रहा है कि आप रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चर लोन का मतलब क्या है, कि लोन आप जो दिए हैं उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, फिर से देख रहे हैं, ये नहीं कि आप तुरंत NPS घोषित कर दे रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अब बचाने का प्रयास कर रहे हैं अपने एसेट को। नहीं तो आप एक बार NPS घोषित कर दीजिएगा तो बोले रूल्स और रेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, है ना, बैड लोन चला जाएगा। नंबर टू देखो, RBI mandated that only those borrower, समझो बात को, those borrower were classified as standard, वही लोग स्टैंडर्ड है, यानी कि वही लोग एप्लीकेबल है, नॉट इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 30 डेज, वो नहीं आदमी जो कि 30 डेज के बाद पे किया है या करेगा, वो आदमी जो 0 डे 1 डे से लेकर 30 डेज के बीच में पे कर रहा था प्रीवियस मंथ का, वही एलिजिबल होगा रीस्ट्रक्चरिंग 2.0 के लिए रूल्स के साथ, ठीक है। और कब इसका, 1 मार्च 2020 से लागू है ये, विल बी एलिजिबल फॉर रीस्ट्रक्चरिंग, समझे, मार्च 1 है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में पे नहीं कर पा रहा है तो हम समझ रहे हैं कि क्यों, देख रहे हो कोरोना वायरस का टाइम वही था, जिसका मार्च तक अच्छा हुआ कि ये बैलेंस शीट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, दे स्ट्रेट वे विद आउट क्रोनिक डिफॉल्टर्स आर हाईली स्ट्रेस अकाउंट, और डायरेक्टली इसके लिए नहीं है कि जो जानबूझ के क्या करता है, जानबूझ के पैसा नहीं देता, उसके लिए नहीं है, कोई 90 दिन से नहीं दे रहा है और बहुत खुश है कि अब हमको नहीं देना, उसके लिए नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है ना, वही बोला हाईली स्ट्रेस अकाउंट्स वाले लोग के लिए नहीं है जो पैसा नहीं दे रहे हैं। द RBI हैड फर्स्ट ऑफर अ रेगुलेटरी डिस्पेंशन इन 2008-09 इन द फॉर्म ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग लोन, बोले ना, पहली बार रीस्ट्रक्चरिंग का जो कॉन्सेप्ट पहली बार आया था 2008-09 में आया था, ठीक है, और 2015 में रघुराम राजन इसको और जटिल कर दिए थे आके, समझ रहे हो सभी चीज। द RBI सर्कुलर इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, बोले ना कि अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 है वो इंडिविजुअल्स के लिए भी है, वो कॉर्पोरेट के लिए भी है, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशंस, वही कंडीशन कि एक से लेके 30 दिन में है, और यदि ज़्यादा है तो दिक्कत है, यही सब्जेक्ट टू कंडीशन इसी को बोलते हैं, ये तुमको पॉलिटी में ज़्यादा ऐसा वर्ड मिलेगा, है ना। लेट अस कलेक्ट द प्रीवियस रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स, कलेक्ट करते हैं जो बोल चुके हैं तुमको, रीस्ट्रक्चरिंग 1.0 के बारे में जानते हैं, हालांकि मैंने बता दिया इसके बारे में। देखो अ
अब ये बात समझो कि रिस्ट्रक्चरिंग एक सलूशन है, देखो यहाँ बोला रिस्ट्रक्चरिंग एक सलूशन है ताकि जो तुम्हारा बरोअर्स का बरोअर मतलब जो लिया उसका स्ट्रेस को क्या करें हम मिटिगेट कर दे, दूर कर दे, समझे ना, दूर कर दे। एंड वॉज ओपन इन वन फॉर्म और अदर सिंस 2008-09 फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर, क्योंकि हम तुमको बोले हैं इंडिविजुअल लेगा भी तो कितना कम लोन लेगा, एजुकेशन लोन कोई बैंक से देता है तो बैंक का उतना घाटा नहीं है और पड़ जाता है इंडिविजुअल आदमी पीछे कि जो बेचारा गरीब आदमी एजुकेशन लोन लेता है और टाइम पे नहीं दे पाता उसको 20 बार फोन आएगा, हम विजय माल्या का क्या, उसका क्या है ना, नीरव मोदी का क्या, तो बात समझ रहे हो कितना डायफंक्शनल है ना चौकसी। तो ये बात तुमको समझना होगा कि ये सलूशन है। अब ये सलूशन किसके लिए है, रिस्ट्रक्चर सलूशन बरोअर्स के लिए है, बैंक के लिए तो है ही, बरोअर्स के लिए, बरोअर्स क्यों, अब जब एमपीए घोषित कर दोगे तो बरोअर्स के ऊपर लाइबिलिटी आएगा कि नहीं आएगा, बरोअर्स को अब हम बहुत सारे स्कीम्स के अंदर, बहुत सारे स्कीम्स के अंदर क्या कर सकते हैं, एक बहुत सारे स्कीम्स के अंदर ये कर सकते हैं कि उसका जो एसेट है उसको हम बेच के अपना पैसा बैंक ले लेगा, लेकिन नहीं है, याद करो सब बता चुके हैं ये सभी चीज़ इकोनॉमिक्स में है ना, मोर्गेज रख मोर्टेज रख देंगे उसका, ठीक है। तो ये क्या है कि बोरोअर्स को जो लिया है उसको हेल्प पहुँचाने के लिए, उसको जो बोझ में पड़ा हुआ है उसको वो देने के लिए, सहूलियत देने के लिए, कोई बात नहीं है तुमको लोन हुआ है, एक काम करो लो और पैसा लो, 1 करोड़ रुपया और लो, बिजनेस को बढ़ाओ फिर हमको देना, हालांकि 10 करोड़ तुम मेरा डुबा चुका है वह हमको यकीन है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चल रहा, लो 1 करोड़ और लो, करो अपना काम, 1 करोड़ करोगे अपना बिजनेस स्टिमुलस हो जाएगा, ग्रोथ होगा, फिर हमको देना, ये रिस्ट्रक्चरिंग का एक तरीका है, समझे। तो उस समय रिस्ट्रक्चरिंग का 4 प्रोसेस हुआ था जो कि अभी फंक्शनल नहीं है, अभी बंद कर दिया गया है, तो इसके बारे में तुमको डिटेल्स में नहीं जानना है, ठीक है। तो वही है तुम्हारा कि सम ऑफ द स्कीम्स जो है रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो क्या है कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, यही है जो कर्ज लिए थे उसको रिस्ट्रक्चर करना कॉर्पोरेट का, इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं CDR, जो कि UPSC 2014 में और 15 में बहुत अच्छा प्रीलिम्स में पूछ लेती है, क्योंकि वो समय का हॉट टॉपिक था ये। तो मगर ये इसमें बहुत सारी स्कीम क्लोज्ड हो गए, जो स्कीम क्लोज्ड हो गए तो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से पीछे चला गया, ठीक है। दूसरा देखो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चरिंग अंडर 5:25 स्कीम, ये भी एक स्कीम है जिसके अंदर हम रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, इसको हम चाहेंगे तो तुमको डिटेल में पढ़ा सकते हैं, मगर तुमको जाने की अभी आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यही चीज़ तुम यदि 2017 में पढ़ रहे होते यही एडिटोरियल तो उस समय हम तुमको डिटेल्स में बताते हैं, अब इसका रिलेवेंस नहीं है, खत्म हो गया ये सभी चीज़, क्योंकि 2008 और 2009 को बनाया गया चीज़ है। और एक क्या स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, इसको SDR बोलते हैं। और लास्ट वन क्या स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्टेट एसेट, जिसको S4A बोलते हैं, S क्योंकि S 4 बार रिपीट हुआ है, S4A, बात समझे। तो तुमको इसके बारे में डिटेल नहीं जानना, बस तुमको ये जानना इसके बारे में कि ये 4 तरीका था उस समय बनाया गया था जिससे बैंक के लोन को हम रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ खत्म हो गया है। अब देखो व्हाट वाज द मेजर फ्लॉ, ये 4 जो बनाए इसमें मेजर फ्लॉ क्या था, दिक्कत क्या था, लूफॉल्स क्या था, पिटफॉल्स क्या था इसके अंदर, ठीक है। तो देखो वही बोले ना एग्जैक्टली यही वर्ड बोल जाएंगे, बैंक्स वे अलाउड टू ट्रीट सच लोन एज अ स्टैंडर्ड, बैंक को क्या करना है कि स्टैंडर्ड लोन के तरह उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, देखो दे आर ऑल्सो अलाउड टू मेक अ लोअर प्रोविजनिंग, 5% प्रोविजनिंग करना है अगेंस्ट 15% रिक्वायर्ड फॉर बैड लोन, जब बैड लोन हो जाएगा, समझो बात सिंपल है, तो MP हो जाए तो देख रहे हो, तो यहाँ पे बैंक ने नजायज यूज़ कर दिया इस चीज़ का जो पहले बोले थे, एग्जैक्टली यही है। हैंस मीगर प्रोविजनिंग, इसलिए कम प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स एंड रिस्ट्रक्चर लोन्स रिजल्टेड इन द बैंकिंग गेमिंग द सिस्टम टू देयर एडवांटेज, इससे क्या हो 5% करना है प्रोविजनिंग, तो बैंक ने इस चीज़ को एक गेम की तरह लिया, खेल की तरह लिया और उस खेल को अपने एडवांटेज के रूप में बढ़ाया, अर्थव्यवस्था क्या हुआ चरमरा गया, क्यों पता चला हमको कि मेरा तो बहुत ज़्यादा बैड लोन्स है, तो इसका सेंस समझो रिजल्टेड इन द बैंक्स गेमिंग द सिस्टम, 5% वाला जो रूल्स है उसके साथ खिलवाड़ करने लगा और अपना एडवांटेज उठाने लगा वहाँ से, इसका मतलब है। व्हाट वाज द फाइनल आउटकम, इस आउटकम क्या, देखो द फाइनल आउटकम वाज एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन, लोन के ऊपर लोन, कोई बात नहीं ले लो लोन, नहीं हुआ ले लो लोन, भाई तुम नहीं दोगे तो हमको 15% देना पड़ेगा ना बैंक को, इससे अच्छा थोड़ा मिल लो तुम,
लोन के ऊपर, लोन के ऊपर, लोन के ऊपर लोन, समझ रहे हो ना? इसी को बोलते हैं एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन। कभी बाबू तुम लोग एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट सुने हो ना? पेटेंट्स बताए हैं, एक पेटेंट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए फिर बोले मेरा पेटेंट है। इसलिए भारत सरकार क्या हुआ, दिमाग खराब हो गया। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स और रेगुलेशन है तुम्हारा कॉपीराइट्स का, एवर ग्रीनिंग में नहीं होगा, हम नहीं मानेंगे। भारत में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना? याद नहीं आ रहा है तुम लोग क्या पढ़ते हो, भगवान जाने तुम लोग का। दवाई वगैरह का बात किए थे ना, वो भी देखो एवर ग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स में भी यूज होता है, यहाँ पे भी एवर ग्रीनिंग ऑफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, मोनोपोली रहेगा। ये समझो कि ये भी एवर ग्रीनिंग ऑफ लोन्स हो रहा है। दूसरा देखो, एज द प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड वॉज ऑल्सो जस्ट 5%, केवल 5% था है ना आपका स्ट्रेस एसेट हुआ। देखो स्ट्रेस एसेट और एनपीएस होने में अंतर है। स्ट्रेस एसेट आपका 45 दिन के बाद होता है, जो 45 दिन तक या 45 दिन के आसपास ही है, देख लेना फिक्स्ड। एनपीएस से पहले का पद 45 दिन तक आपको पैसा वापस नहीं आता है तो आप उसको स्ट्रेस एसेट घोषित करते हैं। अब 90 दिन तक नहीं आया तो आप एनपीएस घोषित कर रहे हैं, ठीक है? तो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 90 दिन भी हो जा रहा है फिर भी घोषित नहीं कर रहा है, उसको एवरग्रीनिंग कर दे रहा है बैंक वाला लोग। वेरी गुड, देखो यही चीज़ है, एक्सीलेंट। एज द प्रोविजन प्रोविजनिंग रिक्वायर्ड वॉज ऑल्सो जस्ट 5%, बैंक यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर हाइडिंग द रियल प्रॉब्लम थ्रू रिस्ट्रक्चरिंग, है कि नहीं है? इवन दो इन सम केसेस नॉट नेसेसिएटेड, जबकि ऐसा बहुत सारा केसेस जहाँ जरूरत नहीं था, जहाँ पर जरूरत था कि एनपीएस घोषित कर दे, वहाँ पर भी नहीं किया, वही रीजन है 5-15%। अब देखो, अब बाबू देखो यहीं पे रघुराम जी आ जाएंगे। देखो सी द ट्रैजेक्टरी ऑफ इंक्रीज इन द रीस्ट्रक्चर लोन्स टिल 2015, देखो कैसे रीस्ट्रक्चरिंग करते करते 2015 में पहुंचे हैं। अब फिर 2015 के बाद क्या हुआ, मोदी जी जो आए, मोदी जी का गलती नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वो छिपा हुआ था बैंकिंग सिस्टम में। देखो बैड लोन्स एंड रीस्ट्रक्चर लोन्स टूगेदर कॉन्स्टिट्यूट जस्ट 5% लोन्स फॉर द पीएसबी, मतलब क्या पब्लिक सेक्टर बैंक्स। क्या बोला जा रहा है कि बैड लोन्स और रीस्ट्रक्चर जो लोन है, ठीक है, जिसको रीस्ट्रक्चर किया मतलब उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, बैड लोन मतलब एनपीएस, बैड लोन मतलब एनपीएस, ये दोनों मिला के, यानी कि जो उसको सुधार रहे हैं और घोषित हो चुका है एनपीएस, दोनों मिला के करेंगे तो 2008 और 9 में पता चला कि पूरा लोन का मात्र 5% ही है। यानी कि 100 पब्लिक सेक्टर बैंक यदि 100 रुपया दिया है पूरा मिला के, है ना, 13-14 है कि नहीं हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, तो केवल बैड लोन और रिस्ट्रक्चरिंग लोन केवल 5% है, यानी कि 5% ही मेरा कर्ज में है जो कि आने का चांस नहीं है, यानी कि 95 हम गेन में है लोन दिए, ऐसा स्थिति दिखाया गया है। मैं स्थिति अभी थोड़ा ग्राफ में दिखाएंगे, स्थिति पूरी तरह से टर्न हो गया एंड इनॉर्मस इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5-6 ईयर्स। और क्या हुआ 2009-08 के बाद, ये ट्रेंड और बढ़ते चला गया, यानी कि बैड लोन्स और बढ़ते चला गया और तुम्हारी रिस्ट्रक्चर लोन्स और बढ़ते चला गया, और सरम मतलब चरम सीमा पे तब आ गया जब 2015 में रघुराम राजन एंट्री किए थे। देखो भाई सब्सिक्वेंट टू 2015 उसके बाद क्या हुआ, एक नया चीज़ लेके आए रघुराम राजन, नया कॉन्सेप्ट लेके आया कि अब एसेट क्वालिटी रिव्यू होगा सभी बैंक का। एसेट क्वालिटी मतलब क्या है कि लोन जो दिए हैं उसका क्वालिटी चेक करेंगे, क्या बैड लोन है क्या रिस्ट्रक्चरिंग लोन है चेक करेंगे, इसका मतलब ये है सेंस रिव्यू किए रघुराम। देखो आरबीआई का रघुराम गवर्नर उस समय के, द एक्चुअल प्रॉब्लम केम टू द फोरफ्रंट एंड व्हाट एवर वाज हिडन अंडर द कारपेट केम टू द हाईलाइट, जो छिपा हुआ था कारपेट के नीचे, देखो लिखने वाला आदमी देख रहे हो, जो दबा हुआ था पर्दे के जो पीछे था वो सब दिखने लगा। अब दिखने लगा तो क्या हुआ, मैप आ गया। Accordingly, the real Lord Puffing Assets burden was made known to the outside world. इसे पूरा दुनिया को पता चला कि इंडिया में बैड लोन के ऊपर बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा था। अब कैसे खेला खेला जा रहा था तो बाबू तुम लोग देख सकते हो, देखो डायग्राम, देखो नीचे वाला डायग्राम जो तुम्हारा है मैप में, देखो स्ट्रेस एसेट्स 2011 में देखो तो इसमें क्या है, ग्रॉस एनपीएस, एनपीएस देखो 2.36 था, और रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, यानी कि रीस्ट्रक्चरिंग करे क्या कि उसको पैसा दे रहे हैं रीस्ट्रक्चर करने के लिए ताकि हमको बाद में फ़ायदा हो, तो उसमें 3.49 था, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाओ 2015 में पहुँचो, 2015 में क्या होता है, एसेट रिव्यू होता है क्वालिटी रघुराम राजन, उस समय देखो 4.62 हुआ और ऊपर कितना है तुम्हारा 6.4। अब अप्लाई किए 15 में, अब होगा प्रोसेस बढ़ेगा, बैंक में चेक किया, अचानक देखो एक साल में क्या होता है,
बैड लोन्स घोषित हो गया 7.8 यानी कि 8%। अब रिस्ट्रक्चरिंग कम हो गया 3.5 है केवल, हद हो गया ना। दिसंबर देखो यही तुम्हारा 4 था 15 में आगे उस कितना कंट्रीब्यूट कर देता है, 10 कंट्रीब्यूट कर देता है। और ऊपर मात्र रिस्ट्रक्चरिंग जो कर रहे हैं 1.49 है। समझे ग्राफ को क्या बोलना चाह रहा है, यानी कि लोन ठीक करने के लिए जो लोन दे रहे हैं मात्र अब 1.49 दे रहे हैं जी, ठीक है। परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मत 10% ओवरऑल एसेट बैंक का माना जाए, यानी कि लोन माना जाए तो हमारा अब देखो 10+1 जोड़ो और इसका 4.1 है ऊपर 4.9 है तो दोनों को जोड़ दो कितना होगा बाबू 12% यानी कि 12% बैड लोन्स है, मैसिव अमाउंट है 12% दिसंबर का। मगर खुशी का बात ये है कि अभी हम लोग नए नए स्कीम लेके आए हैं, है ना, नए नए स्कीम था ना रिस्ट्रक्चरिंग के लिए भी बहुत सारा स्कीम तुम लोगों को बता चुके हैं, हम एनपीएस के लिए बहुत सारा बता चुके हैं। उसे थोड़ा सा बताए थे ना कि रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं तो इधर इतना परसेंटेज फायदा होता है, 3-4 स्कीम्स अलग अलग स्कीम्स बताए थे, याद करो तुम लोग एनपीएस को कलेक्ट करने के लिए तो 3-4 प्रॉपर्टी बताए। हाँ बिल्कुल याद करो तो कुछ याद करो तो टर्मोलॉजी था ना। तो इसका मतलब अभी रिसेंट टाइम में यानी कि 18 के बाद देखोगे ये ग्राफ कब तक है, दिसंबर तक है ना, 2017 तक है, 18, 19, 20 में देखो थोड़ा सा सुधार है, मतलब थोड़ा सा ही है, माइनूट सुधार है, ज़्यादा सुधार नहीं है। देखो प्रोबेबली नीचे देखो नॉट टू कमिट सच पास मिस्टेक नाउ आर बी कॉन्स्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी विच विल पुट इन प्लेस नेसेसरी प्रिवेंशन। और इसलिए इस तरह का मिस्टेक जो पास्ट में हुआ था इसी के लिए क्या किया आरबीआई ने एक नए कमेटी का गठन किया है ताकि इस तरह का मिस्टेक नहीं रिपीट हो फ्यूचर में। हाउ आरबीआई केम आउट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग एपिसोड प्रीवियसली, कैसे आरबीआई वहां से निकला है प्रीवियस रिस्ट्रक्चरिंग 1.4 से कैसे निकला है समझो। आरबीआई क्लोज द सीडीआर विंडो, बोले ना कॉर्पोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग बोले थे ना, बताए थे ना चार, उसमें देखो 2014 और 15 में बोला कि नहीं ठीक है ये खत्म कर दो, ये नहीं चलने वाला है बैंक के लिए, अप्लाई होने वाला नहीं है, हाँ ठीक है ये काम का, हाँ ये काम करने वाला नहीं है स्कीम, चार स्कीम बताए ना। बट अलाउड बैंक टू रिस्ट्रक्चर लोन्स अंडर स्ट्रेटेजिक डेप्ट, देखो लास्ट वाला बताए थे एसडीआर स्ट्रेटेजिक डेप्ट, अब स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग के हिसाब से होगा और 5:5 स्कीम्स के होगा, यानी कि एक स्कीम खत्म कर दिए अब बोला कि अब ये दो नए स्कीम पे काम करेंगे, ठीक है। अब 2018 में क्या हुआ, 2018 में तुम लोग यदि फैमिलियर हो तो 2018 में एक फरवरी सर्कुलर चला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से और यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग का फिर से बात किया गया था, ठीक है। आरबीआई विड्रॉ ऑल द रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम, जो चार था सभी को विड्रॉ कर दिया कि एज पर अब तो ये भी नहीं होगा, स्ट्रेटेजिक डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग भी नहीं होगा, रघुराम खत्म हो गए, 18 का बात है, अभी उर्जित पटेल है, ठीक है ना, उर्जित पटेल लेके आए थे। तो क्या है कि सभी जो चार स्कीम्स सब खत्म हो जाएंगे, अब नए स्कीम्स आएंगे, ठीक है। तो विड्रॉ ऑल द रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम्स एंड प्लेस देम अंडर आरबीआई प्रिडिक्शन फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। तो क्या हुआ कि अब एक नया मेथड लेके आए आरबीआई का, वो मेथड क्या था, रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, जो स्ट्रेस एसेट है जहाँ से हमको पैसा नहीं मिल पा रहा है उस लोन पर, उसको सुलझाने के लिए नया तरीका, ठीक है। दिस वॉज फैमिली नोन एज, इसी को हम लोग 2018 का फरवरी सर्कुलर कह देते हैं जो कि बहुत फेमस है। मगर दिक्कत क्या हुआ, आरबीआई ने इसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि लीगलिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा था कानून व्यवस्था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, नल एंड वॉइड कर देते जाओ, तुम ना आरबीआई है, हम तो सुप्रीम कोर्ट, इतना महत्वपूर्ण सर्कुलर फरवरी में आया, नल एंड वॉइड कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बात समझे, वही दिस वॉज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, खारिज कर दिया गया। एंड सब्सिक्वेंटली रिवाइज फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेस एसेट्स वेरी ये इश्यू, फिर एक नया सर्कुलर जारी किया गया आरबीआई का, सुप्रीम कोर्ट का भी लीगलिटी को देखते हुए, यानी कि लीगलिटी में वहाँ पे त्रुटि था तभी ना सुप्रीम कोर्ट किया, ऐसे थोड़ी मजा आता है सुप्रीम कोर्ट को स्ट्रक डाउन करने में, इसका मतलब इसके अंदर कोई त्रुटि होगा, त्रुटि हम बता सकते तुमको, मैं अभी बताना नहीं चाहते, यही बता सकते कि बोरोवर और लैंडर्स के बीच में कुछ लीगलिटी क्लेम्स था जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही मोनोपोली हो जाएगा बोरोवर्स को लेकर, ठीक है, आरबीआई कुछ ज़्यादा ही वो पावर वो कर रहा था इसलिए स्टक डाउन कर रहा था। नाउ हु विल बी एलिजिबल फॉर रिस्ट्रक्चरिंग, तो रिस्ट्रक्चरिंग किसको मिलेगा, अभी का अभी, तो तुम समझ लिए कि रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 कैसे चला है,
फरवरी का सर्कुलर कैसे जारी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे स्ट्रक डाउन किया, अभी का जो रिस्ट्रक्चरिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग 2.0, इसमें क्या है, इसमें क्या है? तो देखो, एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस ओनली दोज बोरोअर, जो बता चुके हैं, जो कि स्टैंडर्ड है, डिफॉल्ट नहीं हुआ जिसका 30 डेज मोर, वो एलिजिबल है। ऊपर वाला सेम चीज, और यही बोल रहे थे बाबू तुम लोग को, SMAO स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो, वो नहीं है, जीरो है। तो ये क्या है, 1 से लेकर 30 दिन का बात है। इसी तरह स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 हो सकता है, 1 से क्या होता है 30 से लेकर तुम्हारा 60 होता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट फिर क्या होता है, 60 से 90 डेज होता है। एक बैंकिंग सिस्टम का तरीका है। तो आरबीआई क्या की, अपना स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो को ले आई, जो है पहले से ही उसको ले आई, और बैंकिंग सिस्टम में बोली कि ये नए जो है आपका ईएमआई जो टाइम पे नहीं दे पा रहा है 1 दिन से लेकर 30 दिन में, उस पर ही अप्लाई कर दीजिए। यानी कि उसको तरह खुशी है, उसके लिए बहुत खुशी का बात। तो बैंक बोला कोई बात नहीं सर जी, आप तो रेगुलर कस्टमर है, कोई बात नहीं, कोविड क्राइसिस ख़त्म होने दीजिए तब आप पैसा दीजिएगा, हर भाई नहीं है, ठीक है। तो यही बोला, एज ऑफ मार्च 2020 तक देखोगे लगभग 94% बैंक परफॉर्मिंग पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ अकाउंट डेट ऑफ आइदर जीरो और SMA। यानी कि बैंक का परफॉर्मिंग जो पोर्टफोलियोस था, जहाँ परफॉर्म कर रहा था, ठीक है, उसमें लगभग SMO ये तुम्हारा जीरो तक। यानी कहने का मतलब क्या है कि बैंक में लोग पैसा जमा कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है, इस समझो 94% लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे इंडिविजुअल हो कॉर्पोरेट हो, बेचारा वो लोग कर रहे हैं, और सभी SMAO जीरो के अंतर्गत थे, समझ में आया। मोरेवर द मेजर डिफरेंस इज प्रीवियसली रिस्ट्रक्चरिंग वॉज अलाउड ओनली फॉर कॉर्पोरेट बोरोअर्स। पहले क्या था बाबू, बोले ना रिस्ट्रक्चरिंग 1.0 कॉर्पोरेट के लिए था, अब इंडिविजुअल को भी देना, क्योंकि कोविड ने दोनों को ही प्रभावित किया है। हमारे जैसे आदमी, सिंपल आदमी जो हाउस लोन लेता है, वो भी संकट में फंस गया, और एक कॉर्पोरेट जो बड़ा अपना इंडस्ट्री बनाने के लिए लेता, वो भी फंस गया। तो दोनों के लिए है ये वाला। बट नाउ पर्सनल लोन्स, पर्सनल लोन क्या क्या हो सकता है, ऑटो लोन्स, क्रेडिट कार्ड एडवांसेस, हाउसिंग, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन आर ऑल्सो अलाउड फॉर रिस्ट्रक्चर, समझ गए। तो ये क्या, इसको बोलते हैं बाबू इंडिविजुअल लोन्स, इसी को बोलते हैं सेफ गार्ड अगेंस्ट। अब देखो, ये तुम लोग जानते हो ना कि पुराना कितना मिस यूज किया था, 5% और 15% को लेके, है ना। तो यानी कि इस बार भी एक्सपर्ट कमेटी बढ़ा के तो बहुत बढ़िया रखना होगा ना, नहीं तो क्या भरोसा मिस यूज कर ले। तो देखो वही बोल रहा है, क्या क्या सेफ गार्ड रखा गया, टू इंश्योर दैट रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 डज नॉट लेड टू एवर ग्रीनिंग ऑफ बैड लोन्स एज इन द पास्ट आरबीआई हैज बिल्ट इन सेफ गार्ड। पुराना वाला इतिहास नहीं दोहराया जहाँ पे एवर ग्रीनिंग ऑफ बैड लोन्स हो रहा था, हाँ बार बार कर रहा था, इसलिए आरबीआई क्या हुआ, आरबीआई का कान खड़ा हो गया, और उसने क्या किया, सेफ गार्ड को लेकर आया, प्रोटेक्शन को लेकर आया। देखो, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लार्ज एक्सपोजर विल रिक्वायर इंडिपेंडेंट क्रेडिट एवैल्यूएशन डन बाय द रेटिंग एजेंसी एंड अ प्रोसेस वैलिडेशन बाय द कमत लेड एक्सपर्ट कमेटी। यहाँ पे एक कमेटी बना दिए, कमत कमेटी बना दिए, कमत है, हेड है, ठीक है। और इसके हिसाब से क्या होगा, इसके हिसाब से होगा कि एक मान लो कोई कॉर्पोरेट लिया है, कॉर्पोरेट में कैसा काम कर रहा है, वहाँ का पैसा किस तरह फ्लो हो रहा है, उसी को यहाँ पे क्या है तुम्हारा रेटिंग एजेंसी रेट कर रहा है उसको, ठीक है। हाँ, ILFS वाला एपिसोड हुआ था, उसमें रेटिंग एजेंसी गलत कर दिया था, तब ना इतना बड़ा तहलका मच गया। तो रेटिंग एजेंसी बोलेगा सर ठीक है, अच्छा काम कर रहा है सर, हो सकता है फ्यूचर में बूम हो जाएगा। तो रेटिंग एजेंसी ये बोल दिया, क्योंकि रेट कर रहा है उस कॉर्पोरेट्स को, तो बोला ठीक। फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, रेटिंग एजेंसी बोला कि देखिए ये BB में फॉल हो रहा है, यानी कि नीचे कैटेगरी में फॉल, और हो सकता है आने वाले समय बर्बाद हो जाए, आप हो जाइए तैयार, हो जाइए बैंक लेने के लिए, है ना। तो रेटिंग एजेंसी, तो कॉमर्स लेड एक्सपर्ट कमेटी के हिसाब से अब क्या होगा, एसेट को रिव्यू करने के लिए कमेटी बनेंगे, रेटिंग एजेंसी बनेंगे, वो रेटिंग एजेंसी बैंक को पहुंचाएगा अपना खबर। तो यानी कि कर दिए लूपहोल, जहां होने वाला था रोकने का प्रयास किए रेटिंग एजेंसी को लाके। हाउएवर फॉर पर्सनल लोन, मैं पर्सनल लोन के लिए तो नहीं कर सकते ये चीज़, इंडिविजुअल के लिए तो करना मुश्किल है, ठीक है ना, पर्सनल लोन के लिए नहीं है, थर्ड पार्टी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। द टर्म ऑफ लोन्स अंडर रेगुलेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बाय मोर देन, मगर 2 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, वो अधिक कर दिए 2018 से, तो 8 से कर दिए, तो क्या हुआ उसका परिणाम, एवरग्रीन होते चला गया, उसमें हम टाइम फ्रेम फिक्स नहीं किए थे, इसमें फिक्स कर दिए, आप जो आप करोगे, है ना, आप जो ऐसा है मैं वो जीरो को रखोगे, 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 साल तक इसका वैलिडेशन दिए ये रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 को।
हाँ नहीं, दो साल तक ये लागू है, लागू है बाबू। लागू होना मतलब क्या होता है, क्राइसिस आया तो ठीक है इसका वैलिड, क्योंकि 2018 8 और 9 में तो ऐसा कोई हम टाइम फ्रेम नहीं दिए थे, और टाइम फ्रेम नहीं दिए इसके वजह से और तहलका मच गया बैंक के अंदर। हाँ, दो साल तक ये रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन ये दो साल तक ही अप्लाई होगा केवल, समझे। इन द केस ऑफ मल्टीपल लैंडर टू अ सिंगल बोरो, बैंक्स नीड टू साइन एन इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट। देखो एक कॉर्पोरेट क्या होता है, 10 जगह से भी लोन ले सकता है, है ना। इसी को बोलते हैं कॉन्सोर्टियम बैंक्स या कॉन्सोर्टियम लेंडिंग। कॉन्सोर्टियम लेंडिंग मतलब क्या है कि 10 बैंक या 5 बैंक या एक से ज़्यादा बैंक मिला के दे रहा है, है ना। यदि बताए थे बिल्कुल, ये सभी कवर हो चुका है, याद करो पहला इतिहास स्टार्ट किए थे यहीं से, पहला जो एडिटोरियल करते थे हम लोग। इसमें क्या है कि यदि कॉन्सोर्टियम लेंडिंग का बात हो, यानी कि जहाँ पे एक पार्टी से ज़्यादा पार्टी इन्वॉल्व हो बैंक के तौर पे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, तो उस समय एक नया आएगा, तो क्या आएगा वो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, ताकि हर एक बैंक में सहमति हो। कितना लिया है आपका जी, 10 करोड़, अच्छा मेरा भी 12 करोड़ लिया है, आपका कितना लिया, 19 करोड़, सबका पार्टी बन गया, ताकि सभी क्या है सभी को पैसा लेना है ना, सही बनाया और सभी सोचेंगे क्या कर रहा है, कॉर्पोरेट है इसका बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है ख़त्म कर देते हैं, क्या ख़त्म करके आप इतना परसेंटेज लीजिएगा, हम इतना परसेंट, आप समझौता होना पड़ेगा ना, यही एग्रीमेंट है, इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट इसी को बोलते हैं। क्रेडिटर मतलब क्यों, क्योंकि क्रेडिट देने वाला आदमी बैंक है, इसलिए क्रेडिटर एग्रीमेंट। इंटर क्यों, दो से तो सर आरबीआई देता है, नहीं बैंक देती है, बैंक आरबीआई थोड़ी डायरेक्ट किसी को लोन पैसा देती है, आरबीआई बैंक को देती है, बैंक लोगों को देती है। देखो बैंक्स नीड टू मेक, आप देखो इस लॉ के हिसाब से क्या है ना, 5% ना 15%, 10% आपको 10% प्रोविजनिंग करना होगा अगेंस्ट सच अकाउंट्स अंडर रेगुलेशन। SMA 0 जो है वो नहीं बोलना चाहिए, 0 बोलना चाहिए, ठीक है 0, 1, 2, 3 है। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 के अंतर्गत क्या है बाबू, कि आपको 10%, यानी कि मान लीजिए कि आपका EMI नहीं दे रहा, आप पैसा जितना दिए थे उसका आप 10% अलग कर लीजिए, हो सकता है फ्यूचर में अनसर्टिनिटी है, और बैंक के पास पैसा रहेगा तभी ना आप फ्यूचर का फंक्शन कर पाएंगे, दे पाएंगे। तो आप 10% कर दिया, फॉर बैंक्स नॉट विलिंग टू बी पार्ट ऑफ ICA पैनल प्रोविजन अप हैज बीन स्पेसिफाइड। अब बोला कि जो ICA यानी कि इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट का जो पार्ट नहीं बनना चाहता है बैंक्स, उसके ऊपर क्या होगा 20% प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। यानी कि कॉन्सर्टियम लैंडिंग है और एक बैंक बोला कि हम नहीं जाएंगे, जाओ तुम्हारे साथ छोड़ दो, हमको अपना इंडिपेंडेंट काम करने दो, तो उस केस में बैंक ने जितना पैसा दिया, एक्स बैंक ने जितना पैसा दिया कॉरपोरेट के पास, उसको 20% अलग से प्रोविजनिंग करना होगा। तो अब बैंक डरेगा, तो बाप रे बाप 20% हमको रखना होगा प्रोविजनिंग, इससे अच्छा हम इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट ही क्यों नहीं कर लेते हैं, क्योंकि हम तो कॉन्सोर्टियम लैंडिंग के तहत हम भी आ गए, मेरा भी बैंक आ गया, समझ में आ रहा है सभी चीज़। देखो विद द अबव मेंशन सेफगार्ड्स रिस्ट्रक्चरिंग 2.0 मे लीड टू द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस टिकट, बट ड्यू टू जेन्युइन स्ट्रेस ड्यू टू NPS में राइज, हो सकता है कुछ भी इसका रूप ले सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रूप ले सकता है, मैं क्या कर सकते हैं कोविड है, ठीक है कोविड है तो NPS बढ़ सकता है, अनएवॉइडेबल। ये हम पहला कंक्लूड कर दिए, ठीक है, जिसमें समझने वाला चीज सभी चीज था। तो बैंक समझे, बैंक किस तरह काम करता है, टोटली कोर बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है कि आपका बैंक किस तरह काम करता है, और यही सब आंसर अब कभी कोई एडिटोरियल आएगा जहाँ पे प्रोविजनिंग का जिक्र होगा, समझ जाना, ठीक है। अब समझो बाबू, अब आ जाएगा वही एयरपोर्ट सेफ्टी। देखो हिंदू में आया था 9 अगस्त को, टाइम्स ऑफ इंडिया में 10 अगस्त को आया था, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। देखो कुछ हुआ नहीं ना, हाँ वो तो अच्छी बात है कि लैंड है, होता है हमेशा, मगर अब लाइम लाइट में आएगा ये सब, हो तो रहा है हमेशा। देखो देखो तुमने देख लिया कितना नंबर पे है, तो कितना नंबर पे है, हाँ नीतीश कितना नंबर पे है सिलेबस, फटाफट बताओ,
कितना दिखा दो, दिखा दो 15th नंबर। हाँ देखो फटाफट देखो, GIS पेपर 3 करेक्ट। चलो देखो तो बाबू इसका भी थोड़ा ब्रीफ बता देते हैं लेमेन टर्म्स में। लेमेन टर्म्स में समझो, वो भी लेमेन टर्म्स में समझे थे पहले बैंकिंग सिस्टम, इसको भी लेमेन टर्म्स में समझो कि होता क्या। देखो जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट मतलब जहाँ जहाँ पे लैंड करेगा है ना, उसी को एयरपोर्ट बोलते हैं, जहाँ पे फ्लाइट आके रुकेगा। ठीक है, मग क्या है कि प्लेन एरियाज में और प्लेटू या हिली एरियाज डिफरेंट है, बिल्कुल समीकरण डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं टॉप। ठीक है, अभी टर्म आएगा एक तुम्हारा टॉप हिल। ठीक है, टॉप टेबल, टेबल टॉप भी कह सकते हो, टॉप टेबल भी कह सकते हो, टॉप टेबल एयरपोर्ट। इसमें टॉप टेबल एयरपोर्ट से ही रिलेटेड है तुम्हारा जो ये केरला में कांड हुआ है। देखो होता क्या है कि टॉप टेबल में क्या होता है कि या तो आइदर साइड, इस साइड इस साइड या इस साइड या इस साइड। क्यों? क्योंकि प्लेन में क्या है कि आपका लैंड प्लेन पूरा अवेलेबल है, वह माउंटेन में अवेलेबल नहीं है, ना ही आपके हिली एरियाज में। हिली एरियाज में क्या है कि बहुत मुश्किल से लैंड मिलता है कुछ देर तक तुम्हारा फ्लैट, बाकी खाई है खाई है खाई है खाई है, समझे। अब यहाँ पे क्या केस हुआ, यहाँ पे केस ये हुआ कि आपके पास एरिया कम है तो आपको जो लैंडिंग करना पड़ेगा तो आप लैंडिंग ऐसे करोगे, नीचे ऐसे नीचे करोगे, छुओगे। यदि मान लो कि यहाँ पे नहीं छू के आप यहाँ पे छू रहे हो, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो एक लिमिटेड डिस्टेंस है, और मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम थोड़ा सा भी गड़बड़ाए एक्सीडेंट तो होना ही है। यानी कि आपको प्रॉपर लैंड पे आपको लैंड करना होगा, प्रॉपर जमीन पे लैंड करना। अब थोड़ा सा भी आप आगे चले गए क्रॉस कर, इसी को फुट फिट कहते हैं, अभी बताएंगे फुट कहते हैं, और वहीं पे फुट पे गड़बड़ी हो गया इस बार का। और इतना ही नहीं, जो मेंटेनेंस होना चाहिए था नीचे, अब देखो होता क्या है कि वेदर फेनोमेना भी तो है, पानी था वहाँ पे फिसल गया। दूसरा रबर, वहाँ पे क्या है कि रबर अकुमुलेट हो जाता है, रबर जो होता है ना, रबर जब अकुमुलेट हो जाता है तो चांस रहता है कि वहाँ पे फ्रिक्शन आके वो गिर जाने का। तो इसलिए जो US में एक मॉडल अपनाया जाता है, भारत को भी ज़रूरी है या फिर डेवलपिंग कंट्री को भी ज़रूरी है कि US का मॉडल कोई एयरपोर्ट में अप्लाई करे, तो वो मॉडल भी यहाँ पे सुझाव दिया है ऑथर ने, यही है। और दुर्भाग्य की बात क्या है, मैंगलोर में एक्सीडेंट होने के बाद भी हम कुछ नहीं सीख पाए। जबकि मैंगलोर में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें बहुत लोग मरे थे, 158 लोग मरे थे, और अभी तो हम ऑफिशियल रिकॉर्ड केवल 18 बोल रहे, जबकि 18 से कहीं ज़्यादा होना चाहिए। ऊपर का टुकड़ी गिर गया है इधर का फर्स्ट वाला, तुम लोग शायद देखे होंगे अपना, नहीं देखे, देखे कि नहीं देखे। देखो अब देखो तुम लोग कुछ देखता उगता नहीं है, तुम लोग कौन सा दुनिया में, आई डोंट नो। देखो इंडिया सेकेंड टॉप, यही टेबल टॉप बोले ना, टेबल टॉप प्लेन क्रैश इन अ डिकेड हैज ड्रॉन द फोकस ऑफ अथॉरिटीज ऑन द शॉर्ट रनवेज दैट कैन चैलेंज द बेस्ट ऑफ पायलट्स व्हेन द वेदर इज बैड। जब वेदर खराब हो तो उस समय अच्छे पायलट तो बहुत नामी पायलट थे उसके अंदर, ठीक है ना, क्योंकि दुबई से आ रहा था और कोविड पेशेंट वाले लोग को ही लेके आ रहे थे, ठीक है ना, तो क्रैश हो गया टेबल टॉप प्लेन। ठीक है, और ये क्या है, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट क्रैश आफ्टर ओवर शूटिंग द रनवे एट कोझिकोड एयरपोर्ट, कोझिकोड एयरपोर्ट इन केरला, किलिंग 18 पीपल एंड इंजर्ड सेवरल अदर्स। ठीक है, और ये सिमिलर इंसिडेंट मैंगलोर के टेबल टॉप में भी हो चुका था 2010 में, यही बोल रहे थे, जहाँ पे 150 से ज़्यादा लोग मरे थे। तो ये बेसिक तो बता चुके हैं तुम लोग को, आप समझो कि टेबल टॉप एयरपोर्ट क्या होता है जी। तो वही जो बोले तुमको, इट इज़ अ एयरपोर्ट लोकेटेड और बिल्ट ऑन अ टॉप ऑफ प्लेटू और हिल, क्योंकि कम जगह मिला है वहाँ पे, कम ही जगह प्लेन है, एक हिल में तुमको कितना प्लेन मिलेगा बाबू, एक मैदान बनाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और हिली सरफेस विथ वन और बोथ एंड्स ऑफ द रनवे ओवर लुकिंग अ ड्रॉप, इसका मतलब नीचे खाई खाई है, या तो एक साइड खाई है या तो एक साइड खाई है, ड्रॉप का मतलब ये होगा। देखो इज दिस डिफाइंड इन इंटरनेशनल नॉर्म्स, क्या ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में है, अलग टॉप यहाँ पे गलत बता दिया है। ठीक है, देख लेना जाके, जो देखता है न्यूज़ उसको हम बोल रहे हैं, सबको न्यूज़ नहीं देखना है। देखो देर इज नो सच टर्म एज अ टेबल टॉप एयरपोर्ट इन एनी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, कहीं पे जिक्र नहीं है, और जिक्र बताया। ठीक है, टेक्निकल बजट ऐसा कहीं वर्ल्ड में इसका कोई एक प्रोटोकॉल्स नहीं बना है,
एक प्रोटोकॉल्स बनता है, जैसे एयरपोर्ट का प्रोटोकॉल्स बनता है आपका, क्योंकि बाहर के कंट्री भी तो आएंगे ना, लोग सब आएंगे, यहाँ के लोग भी जाएंगे, तो पूरी तरह वर्ल्ड खुला हुआ ग्लोबल फेनोमेना है ये तो एयरपोर्ट। रेलवे ना आपके घर के अंदर ही रह गया, एयरपोर्ट तो उड़ उड़ के जा रहा है एयरवेज, है कि नहीं है? तो मगर इसके लिए इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए था टेबल टॉप एयरपोर्ट के लिए, उसके लिए कोई सच टर्म अभी तक नहीं है डॉक्यूमेंट में। बट हमारे जो इंडिया के जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि पहले कौन से थे, राजू, जो गजपति राजू जो पहले थे, अभी पता नहीं कौन है, रिफर्स टू दिस एयरपोर्ट इन दिस मैनर बाय वे ऑफ हाईलाइटिंग सेफ्टी मेजर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। मगर अपने हिसाब से, हम कंट्री के हिसाब से DGCA का, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन का कुछ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए हैं, और उसी के हिसाब से हमारा इंडियन एयरपोर्ट फॉलो होता है, ठीक है, टेबल टॉप में फॉलो होता है ये चीज़। मगर इंटरनेशनली ऐसा कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है। नॉर्मली दिस आर नॉट मैनी डिफरेंसेज बिटवीन अ नॉर्मल एयरपोर्ट एंड टेबल एयरपोर्ट। नॉर्मली कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर नॉर्मली मतलब क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन के तौर पर बोल रहा है, मगर यानी कि कहने का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल अलग होना चाहिए, इसका डिफरेंस नहीं है, तभी तो इतना बड़ा कांड हो गया है कि नहीं, समझने वाली बात है। यही देखो बाबू, वही उसमें न्यूज़ में गलत बता दिया था, यही सेवन टॉप, यही टेबल टॉप एयरपोर्ट्स है हमारे भारत में, और उसमें बाबू केवल चार बताया है, ठीक है। देखो लेंगवाई मिजोरम में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में, पैक्योंग सिक्किम में है, ठीक है, मैंगलोर कर्नाटका में है, कुजिकोड़े केरला में है, कन्नूर केरला में है। हाँ मैं गया हूँ पैक्योंग, मेरा दोस्त भी रहता है यहाँ पे, ठीक है, बात समझे। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे भारत में जो टेबल टॉप एयरपोर्ट्स है ये कितने हैं, एक्चुअल में 7 है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, फैक्चुअल है। Why there are concern with regard to landing on table land runways? क्या है टेबल लैंड में लैंडिंग करने में, बोले थे ना अभी तुमको, हाँ इमेज दिया है, तो वो समझो हम तुमको बता चुके हैं ये वाला चीज़, दिक्कत क्या है, देखो देर आर डेंजर बिकॉज ऑफ डीप गॉर्जेस रनिंग डाउन देयर साइड। डीप गॉर्जेस है कि नहीं है, गॉर्जेस है कि नहीं है, खाई खाई है, थोड़ा सा ही पलटा चला गया। नंबर वन, स्लाइटेस्ट लैप्स कैन लीड टू द फैटल क्रैशेस। थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, थोड़ा सा भी लैप्स हुआ तो फैटल कॉज हो सकता है, यानी कि लोग मर सकते हैं, उसका मतलब ये है फैटल क्रैशेस मतलब लोग मर भी सकते हैं। इफ विजिबिलिटी इज पोर, मान लो वेदर कंडीशन खराब है, वहाँ पे स्मोक आ गया है, तो क्या होगा जी? और दूसरा क्या कि टेल विंड है, वही अब ये समझो, ये तुमको समझना होगा कॉन्सेप्ट, देखो ये ज्योग्राफी का ही कॉन्सेप्ट है। देखो ये उड़ रहा है एरोप्लेन, तो हेड विंड आ जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इधर से आया ना ऐसे हवा उड़ के तो कोई प्रभाव नहीं होता, इसको बोलते हैं हेड विंड। मगर जो टेल विंड होता है, जो पीछे से आता है, वो पुश कर देता है और मोमेंटम को चेंज कर देता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। या फिर ये तुम्हारा फ्लाइट के टाइम में भी हो सकता है, तो हेड विंड ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है, मगर टेल विंड दिक्कत देता है पीछे वाला। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे यदि विजिबिलिटी खराब हो, यानी कि स्मोक वगैरह कंडीशन खराब है और टेल विंड्स है लैंडिंग के टाइम में, चैलेंज बन जाएगा, तो बोले तुम पुश के टाइम में। सेफ्टी नॉर्म्स अवेलेबल एट कोझिकोड़े एयरपोर्ट, जो सेफ्टी नॉर्म्स वहाँ प्रेजेंट था, कौन कौन था, तो देखो इट इज़ अ रन वे एंड सेफ्टी एरिया रेसा। तो ये क्या है कि ये तरीका है, ठीक है, तरीका है इमरजेंसी में अपनाया जाता है ताकि कोई कांड ना हो सेफ्टी पर्पज के लिए, समझे। तो ये रनवे मतलब जो रनवे पे जहाँ पे ऐसे करके लैंड करेगा, रनवे, ठीक है, एंड सेफ्टी एरिया। इट इज़ द मीन्स टू लिमिट द कॉन्सिक्वेंसेस व्हेन देयर इज एन एयरक्राफ्ट ओवररन ड्यूरिंग द लैंडिंग। ओवररन हो जाए, ज़्यादा रन लैंड हो जाए, वहाँ पे एक रेसा कॉन्सेप्ट आता है, रेसा के हिसाब से क्या कि एरिया है, उस एरिया को बनाया गया सेफ्टी के लिए, ताकि मोमेंटम ज़्यादा रहे तो आगे जाए तो बच जाए, ठीक है। अब ICAO वही इंटरनेशनल जो है ऊपर, वो कहता है कि रेसा को कम से कम 90 मीटर मैंडेटरी होना चाहिए, या फिर रिकमेंडेटरी बोलता है कि 240 मीटर रिकमेंडेशन है, और मिनिमम कितना होना चाहिए, 90 मीटर तक होना चाहिए एरिया, ताकि वहाँ पे एक सेफ्टी मेजर्स, हाँ रनवे के बाद बिल्कुल। एज पर द अवेलेबल न्यूज़ रिपोर्ट द रनवे हैज़ द सेफ्टी फीचर ऑफ रेसा अप टू, जो न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से 240 मीटर था, ठीक है। दूसरा क्या समझे रेसा, तो ये केवल इसके लिए नहीं है, ये हर एक टेबल टॉप के लिए होगा, ठीक है। तो कोई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा सब जगह चिपका दे रहा है। इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम ILS कहते हैं इसको, द रनवे एट कोझिकोड़े आर इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम कैट इनेबल। एक तरीका है लैंडिंग सिस्टम होने का, ठीक है, तो वहाँ पे ये इनेबल्ड है, वहाँ पे है वो चीज़, उसके बावजूद भी एक्सीडेंट हो गया।
दूसरा क्या है, द एयरपोर्ट हैज़ अ रेंज ऑफ विजुअल एड्स, वहाँ पे लाइटिंग वगैरह भी है कि विजुअल रात को हो जाए, दिन में हो, लैंडिंग का भी, ये रात को कांड हुआ था, लाइटिंग वगैरह का व्यवस्था है। इन एडिशन ऑल द ऑब्स्टिकल्स आर लिट, बोथ द रनवेज आर रीजनेबल, नेविगेशन परफॉर्मेंस, यानी कि हर एक चीज़ नेविगेशन के लिए भी हर एक चीज़ वहाँ पे प्रबंध है, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम, यानी कि इंस्ट्रूमेंट वो चीज़ जो लैंडिंग सिस्टम को मदद कर रहा है। देखो व्हाट इज एविडेंट, वही तो बोल रहा है यहाँ पे, तो क्या एविडेंट है ये पर्टिकुलर केस में, कोझिकोड एयरपोर्ट जो कांड हुआ है, इससे हम लोग क्या क्या मिलता है हम लोग को, द विजिबिलिटी वॉज पुअर, विजिबिलिटी गलती था, बोला ना टेल विंड, विजिबिलिटी से क्या हो सकता है, कांड हो सकता है ना, तो विजिबिलिटी पुअर था। और यही बाबू यही एग्जैक्टली यही बोले, तो फुट पॉइंट बोल रहे थे ना उस समय, यही है देखो, द एयरक्राफ्ट लैंडेड एट द 3000 फुट पॉइंट ऑन अ रनवे, नॉर्मली एयरक्राफ्ट को कितना 800 फुट पॉइंट पे लैंड करना चाहिए था, आगे निकल गया, करेक्ट, मोमेंटम होता है ना उसके अंदर। इन सच सर्कमस्टेंसेस टेल्ड विंड और पोर ड्रेनेज कैन लीड टू द ओवरशूटिंग द रनवे, और वहाँ पे पानी भी है, बोले ना मौसम खराब है तो पानी देगा वहाँ पे, ठीक है, टेल विंड का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, पीछे से कुछ कर पूरी तरह से खत्म, ओवरशूटिंग हुआ रनवेज आगे चला गया। सेफ्टी ऑफ द रनवेज, क्या जरूरत है रनवेज का, क्या जरूरत है यदि इस तरह का कांड ना हो, तो एक्वा प्लानिंग बहुत जरूरी है, एक्वा प्लानिंग मतलब ड्रेनेज ऑफ वाटर, जो वहाँ पे पानी है, कानी खाएगी पानी रहेगा तो फ्रिक्शन हो सकता है ना, फिसल सकता है, जैसे देखते हो ना हीरो बन के बाहर निकलते हो पानी आ गया ऐसे चल रही है कम्बल बन गए, सॉरी फ्रिक्शन लेस हो जाता है, बोलने का मतलब फिसल जाते हो, बिल्कुल बिल्कुल फ्रिक्शन लेस हो जाता है, न्यूटन का लॉ जानते हो है ना, यदि हम फ्रिक्शन नहीं रहा तो अनंत काल तक चलते चला जाएगा है ना, फ्रिक्शन का तो जो तुम्हारा पहला ही लॉ है कि बॉडी स्टिल कंटिन्यू ही ना है ना, रेस्ट है तो रेस्टिंग रहेगा, बस फ्रिक्शन ही रोकता है उसको, समझ गए, तो यानी कि वहाँ पानी है दिक्कत देगा, इसलिए एक्वा प्लानिंग होना जरूरी है, वहाँ पे ठीक से अच्छे से देख लो कि लैंडिंग होने वाला है, कहीं पानी तो नहीं है, पानी है तो भाई बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, सब क्लियर में फटाफट सुखा दीजिए। दूसरा देखो यही है, रबर डिपॉजिट बोलते हैं, रबर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, टेबल टॉप एयरपोर्ट्स का, और ये एक तरह से ह्यूज सेफ्टी थ्रेट्स है, क्यों, इससे क्या होता है जो ब्रेकिंग है वो ब्रेकिंग फेल हो सकता है, यदि रबर डिपॉजिट वहाँ पे हो गया, रिवर डिपॉजिट हो सकता है, जैसे कि तुम यहाँ से चलो तो तुम्हारे पास भी रबर है नीचे, वहाँ डिपॉजिट हो गया, पहले से डिपॉजिट है, फिर उसके ऊपर वही सेम जगह पर चल दिया, ब्रेकिंग सिस्टम तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा, बार बार तुम्हारा एक एयरपोर्ट है, देखो एयरपोर्ट है, बार बार लैंड हो रहा है, रबर नीचे है कि नहीं है, टायर वाला, टायर से ही रबर आता है, तो रबर से टायर है तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे लग गया, वही प्रॉपर मेंटेनेंस का ही लगिंग है, और फिर उसी समय में एग्जैक्टली उसी जगह पे कोई दूसरा लैंड कर रहा है, रबर पहले, हाँ ब्रेकिंग फेल हो गया तो फेल सब कुछ। क्रैक्स एट द रनवे, क्रैक्स भी हो सकता है रनवे में, कहीं क्रैक भी आ गया रनवेज में, हो गया गड़बड़। एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स क्या कहता है तुम्हारा, 2 years अगो 98% ऑफ एयरपोर्ट डिड नॉट इवन कैलिब्रेट द क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम इन अ टाइमली मैनर, यही बोले थे ना कि इंस्ट्रूमेंटल सिस्टम होना चाहिए, लैंडिंग सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या जरूरत है, विजिबिलिटी, लाइटिंग, अप्रोचिंग लाइट, लगभग 98% लोग सो रहे थे एयरपोर्ट वाले लोग, ठीक है, 2 साल पहले। अकाउंटेबिलिटी इज मिसिंग, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है बाबू, आदमी का जान खतरे में डाल रहे हैं, यहाँ से तुम एयरपोर्ट भी तुम्हारा रेलवे लाइन की तरह काम कर रहा है, बताओ, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट्स लैगिंग है, मिसिंग है, क्या सेफ्टी के लिए क्या क्या बनाए हैं बाबू, बताइए जरा, रिपोर्ट दीजिए, कोई रिपोर्ट नहीं दीजिए बाबू, इस तरह कंट्री में होगा तो क्या छवि होगा, बिल्कुल बता बता दिया, बिल्कुल खुश हो जाते हो तो ठीक है। सुनो तो यहाँ से बोले थे ना यूएस से सीखने वाली चीज़ है, तो यहाँ से सीखो, एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन यूएस इंजीनियर्ड मटेरियल्स एरिस्टर सिस्टम इज मैंडेटरी, एक ये सिस्टम है, ये सिस्टम मैंडेटरी है एयरपोर्ट के लिए, ठीक है, अब ये सिस्टम में क्या है, इसमें क्या होता है, इंजीनियर्ड लाइट वेट और क्रेशेबल सेलुलर सीमेंट प्रेजेंट होता है, क्रेशेबल मतलब क्या है कि आप क्रश करके निकल सकते हैं दबा के, जैसे पेरिस में प्लास्टिक रोड बना है ना उस तरह का, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्रश करके निकल जाएंगे उसको,
समझ रहे हो बात को ना, क्रश करके उसको निकल जाएंगे। तो यही तरीका जो इंजीनियर मटेरियल्स एरेस्टेटर सिस्टम है वहाँ पे कंपलसरी है। इसमें क्या होता है, लाइट वेट वाले होते हैं जो बनाया जाता है, और क्रशेबल क्रश करके निकल सकते हैं उसको, सीमेंट या कंक्रीट। ये तो सेफ्टी बैरियर की तरह एक्ट करेगा जी, ठीक है। और सक्सेसफुली एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट क्या होता है, वहाँ पर स्टॉप हो जाते हैं, मोमेंटम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है रनवे का, अबाउट 75 मीटर्स ऑफ EMAS यानी कि इंजीनियर मटेरियल्स एरेस्टर सिस्टम कैन सर्व द पर्पज ऑफ, केवल 75 मीटर्स आपका EMAS रह गया तो ये 240 मीटर ऑफ रेसा का काम कर जाएगा। तो काहे नहीं वाला प्रिंसिपल लाते हैं, मतलब बस आप 74 वाला आप रोड वाला वो रोड बना दीजिए ना ढंग से, इतना रेसा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, डैमेज नहीं होगा। हाँ EMAS, ठीक है, EMAS वही हुआ लाइट वेट का बराबर, ठीक है। और सर और वो 240 होने के बाद भी दिक्कत हुआ, ये दिक्कत नहीं होगा, ये भी बात समझो। 3000 फुट पे लैंडिंग हो तो किया, चलो बात समझे, समझ गए कि क्या क्या है इसका टेक्नोलॉजी, समझ गए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आता है नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या कितना लोग मरा है और उस पर राजनीति होगा, बस दैट्स इट, उतना ही काम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बाबू क्या बोले कि कितना जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ना, यदि जनता को अवेयर होना है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ज़्यादा वो क्या करे, न्यूज़पेपर से। गांधी परिवार से बहुत लगा है, पाकिस्तान से लगाओ, क्या चीज़ का, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हाँ इस पर बहुत लगाओ है, हर दिन यही करते हैं, माथा खराब कर सुशांत सिंह यादव करो। देखो ग्लोबल पुश बैक अगेंस्ट चाइना, इकोनॉमिक टाइम्स का है जी, 4 अगस्त 2020 को आया था, ठीक है, और हम 10 अगस्त में दे रहे हैं आपको। क्यों, हमने क्या बोला था तुम लोग को, एक लंबा रिसर्च के बाद कोई चीज़ पढ़ाया जाता है। क्यों लंबा रिसर्च जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि सेम एडिटोरियल अलग अलग पेपर में भी आ रहा हो, एक एडिटोरियल से एक हिंदू से एक एडिटोरियल आ रहा है, क्योंकि देश में जो चल रहा है तो हर एक न्यूज़पेपर वही चीज़ देगा। जैसे न्यूज़ बदलते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो सुशांत का आ रहा है तो दूसरी तरफ भी सुशांत ही का आ रहा होगा, मगर कुछ अलग अलग खबर होगा, तो न्यूज़ का इसका भी तो वही हाल है, बात समझो। मगर क्या है, खूबसूरती देखो, खूबसूरती ये देखो, अनलाइक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे अलग अलग इंटेलेक्चुअल आदमी आके अपना विचारधारा को दे जाते हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ एडिटोरियल। तो ये कोई इंटेलेक्चुअल जो एक्सपर्ट है उसके अलग दे दिए, कोई दूसरा एक्सपर्ट है वो अलग दे दिए। तो सिविल सर्विस में क्या डिमांड है आप लोग के लिए, समझ देव बाबू हो गया वो सब चीज़। तो सिविल सर्विस में क्या डिमांड है कि जो मेन आदमी है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो जानते हैं उस विषय को, उनका रिसोर्सेज को आप लीजिए अलग अलग से। तो केवल खाली हिंदू ही नहीं, हिंदू तो हम लोग खाली बोलते हैं, तो देख ही रहे हो बिजनेस लाइन का आ रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स आ रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया आ रहा है, लाइफ मिनट का आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस का, गुलाटी साहब अशोक गुलाटी है ना, इंडियन एक्सप्रेस। तो बात समझे, तो इसलिए जिस दिन प्रेजेंट होता है एडिटोरियल्स 10 अगस्त का, तो उसी 10 अगस्त को नहीं लिखते हैं हम, क्या करते हैं उसको 3-4 दिन बाद लेके आते हैं। क्यों 3-4 दिन बाद लेके आते हैं, क्योंकि वैसा एसोसिएटेड यदि एडिटोरियल दूसरी जगह चल रहा है तो वहाँ का भी नॉलेज लेके साथ में असिमिलेट करके बताएं, समझे। तो हो गया 4 अगस्त का पढ़ो, तो वही बैकलैश है, बोले ना कि इंडिया ही नहीं वर्ल्ड क्या कर रहा है, चाइना को बायकॉट करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। GS 2 फटाफट देख लो, इंटरनेशनल रिलेशन देख लो तुम लोग, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज एंड इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा, दिखाओ प्रिंसिपल। चलो देखो, फाइन, तो टॉपिक देखो, ग्लोबल पुश बैक अगेंस्ट चाइना, यानी कि ग्लोबली चाइना को पुश बैक किया जा रहा है अलग अलग कंट्री में, ठीक है। तो पहले हम लोग एग्जांपल समझते हैं, यूएस ने क्या किया, आराम समझना है, बिल्कुल आला नहीं करना है, ठीक है। देखो पहले थॉट प्रोसेस समझते हैं, तो जानते हो कि ट्रंप हमेशा से बयान दिया है चाइना के अगेंस्ट, तुम लोग जान ही रहे हो, ठीक है, और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से हुआ है, और तुम जानते हो इससे पहले भी ट्रेड वार हो चुका है दोनों के बीच में, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि जितने भी चाइनीज़ है वो ऐप बंद कर दे, क्योंकि 4 अगस्त का है, बैन भी हो चुका है एक्चुअल में, है ना, ये तो 4 अगस्त का हम प्रेजेंट कर रहे हैं आज तुम लोग को, बैन भी हो चुका है, ठीक है। तो रिसेंट डिसीजन देखो, रिसेंट डिसीजन क्या क्या लिया है, कैसे तुमको पता चलेगा कि यूएस को खुलना से चाइना से। तो रिसेंट डिसीजन देखो क्या बोला, कि पार्टी फंक्शन जिनजियांग पे क्या किया उसने, वो लगा दिया सेंक्शन लगा दिया, ठीक है, इसलिए लगाया
हांगकांग देखो, हांगकांग में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है ना, है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो हांगकांग को किसने सौंपा था, हांगकांग को यूके ने सौंपा था, ठीक है, वन कंट्री टू सिस्टम, ठीक है ना, 1997 में, ठीक है, यूके ने दे दिया था किसको, हांगकांग को, चाइना को दे दिया था, और लीज में दिया था, ठीक है ना, 100 ईयर्स का लीज, 100 या 50 ईयर्स का लीज था, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको वन कंट्री टू सिस्टम के तहत चलना है, आप जो मेन लैंड चाइना है वो पूरी तरह से लीगल प्रोविजन आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, इसका फ्रीडम ऑफ है एक्सप्रेशन है, मगर चाइना क्या कर रहा है, बार बार कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो यूएस तो क्या है, यूएस तो अपने आप को डेमोक्रेसी का पुजारी तो बताता ही है ना, ठीक है ना, तो वही है। दूसरा समझे कि हांगकांग का इश्यूज है। तीसरा क्या है कि चाइना से जो फ्लाइट आ रहा था उसको कंट्रोल कर दिया, 5G नेटवर्क जानते हो, 5G नेटवर्क को बैन कर दिया, नहीं आएगा, जा हुआ है, भागा हुआ है, ठीक है। तो समझे कि यूएस ने क्या किया है। अब दूसरा देखो यूके ने क्या किया, हाँ बिल्कुल, वो तो बता दिया है ना यार, बता तो दिया यार, चार अगस्त में बोला कि बैन करेगा, अभी बैन हो चुका है, तो बोल दिया कि बैन करेगा, मॉडिफाई कर दिया उस चीज़ को, है ना। थॉट अब यूके का देखो, यूके का थॉट प्रोसेस क्या है, अब यूएस का देख ले, क्यों पावरफुल कंट्री है, यदि अगेंस्ट है तो पूरा वर्ल्ड अगेंस्ट है कि नहीं है। तो पावरफुल कंट्री का बात करेंगे, सब डेवलप्ड कंट्री है। देखो यूके का थॉट प्रोसेस क्या है, यूके का थॉट प्रोसेस ये है कि चाइना हैड अ हैव हैड अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल डिस्प्यूट, बहुत सारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स है, जैसे कि देखो या 5G नेटवर्क को भी लेके, और नए जो सिक्योरिटी लॉ है जो हांगकांग में, क्यों, क्योंकि मेन तो यूके ही है ना, यूके ही दिया है, और यूके का कोक से तुम्हारा यूएस जन्मा है, ये भी तुम लोगों को पता है कि नहीं। यस, कोक से जन्मा इसलिए क्योंकि ये तुम्हारा हिंदी शब्द है जी, जो ऑप्शनल बच्चा लोग पढ़ेगा आने वाले समय में, हिंदी से ऑप्शनल में कोक शब्द यूज है, वाह, क्यों, क्योंकि यूके ने जन्म दिया है इस कंट्री को, चाहे ऑस्ट्रेलिया को, समझे। डिसिसिव एक्शन इन रिसेंट टाइम्स, तो क्या हुआ, थॉट प्रोसेस तो हो गया गधा, तो अब क्या हुआ कि क्या एक्शन क्या लिया, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक एक्शन क्या लिया, तो एक्शन देखो, बैनिंग टेक्नोलॉजी, वही 5G टेक्नोलॉजी बैन कर दिया, ठीक है, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी था, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी मतलब क्या होता है कि मान लो कि बाबू कि हांगकांग, तुम हांगकांग हो, हम यूके हैं, ठीक है, हांगकांग यानी कि चाइना का पार्ट तो हो ही तुम, वन कंट्री टू पॉलिसी टू सिस्टम, एक्सट्रेडिशन मतलब तुम्हारा जो अपराधी मान लो कि यूके में रह गया, तो तुम हमसे डिमांड कर रहे हो कि यूके आप एक काम करिए ना, हमको दे दीजिए वो क्रिमिनल, ताकि हमारे कंट्री में क्राइम करके भागा, जैसे यही अब्राहिम, हमारा जो अब्राहिम है दौलत, क्या नाम है उसका, दाऊद अब्राहिम, तो उसके लिए एक्सट्रेडिशन ट्रीटी वो करना पड़ता है, साइन करना पड़ता है, साइन करोगे हमारे तुम्हारे कंट्री के बीच में साइन है, तभी तुम्हारा क्रिमिनल हम भेज सकते हैं, वो भी ऐसे नहीं भेजेंगे, देख के भेजेंगे, कहीं क्या भरोसा तुम्हारे कंट्री में जाए या तुम मार दो उसको, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ है यूके सब, जान लेना, होता है, जैसे देखो विजय माल्या को आने में कितना समय लग रहा है, अब लंदन ने बोल दिया कि अब आ सकता है, तो कितना वो 1.5-2 साल का प्रोसेस, इसी को बोलते हैं एक्सट्रेडिशन ट्रीटी, उसके लिए कंट्री टू कंट्री करना पड़ता है, वो भी यूके ने बोला कि अब हांगकांग से भी नहीं करेंगे, जाओ भागो, हांगकांग से नहीं करेंगे मतलब चाइना को चोट पहुंचा रहा है, चाइना तो आखिर हांगकांग तो चाइना का ही पार्ट है ना, मगर काम अलग तरीके से करता है, समझ गए बात को, थॉट प्रोसेस हो गया और एक्शंस भी हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया का देखो, ऑस्ट्रेलिया तो बातें छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया तो 3-4 कदम आगे है इन लोग से, देखो ऑस्ट्रेलिया और चाइना का जो टाइज है सबसे लोएस्ट है, जैसे ही COVID-19 बढ़ने लगा एकदम डाउनफॉल हो गया रिलेशन, ठीक है, क्यों, और ज़्यादा तुम्हारा ये तुम्हारा यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया और यूएस का जब सबमिट हुआ था इस समय भी ऑस्ट्रेलिया चाइना का अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया गया था, देख लेंगे उसको, हाँ आवाज़ उठाया, देखो ऑस्ट्रेलिया क्या बोल रहा है कि जिस तरह उइगर मुस्लिम को जिनजियांग प्रोविंस में, याद है ना, कोई हमको पूछ रहा था, कोई लिखा था, हाँ बाबू तुम नीतीश लिखे थे ना अपने वो कॉपी में कि चाइना क्या है, डेवलप्ड कंट्री है, तुम ही लिखे थे ना, अब समझो यहाँ से मैं तुमको समझाता हूँ, डेवलपिंग कंट्री है, क्यों, एक डेवलप्ड कंट्री के लिए आपका हर एक रीजन प्रॉस्परस होना चाहिए, और हर चीज़, और टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी में चाइना बहुत आगे है, GDP में बहुत आगे है, मगर आपका हर एक जगह समृद्ध नहीं हुआ है, समझे ना, बिल्कुल, यहाँ पे गैलवन वैली से उठा लो, काराकोरम रेंज से ऊपर उठा लो, वही जिनजियांग प्रोविंस है तुम्हारा, जिनजियांग चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है जहाँ पे उइगर मुस्लिम रहते हैं, ये पूछ लिया गया था 17-18 में क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कि उइगर मुस्लिम कहाँ का है, तो क्या चाइना का है,
जिनजियांग प्रोविंस, ठीक है। जिनजियांग प्रोविंस में मुस्लिम का कम्युनिटी है जिसको बोलते हैं उइगर मुस्लिम्स, ठीक है। इसके ऊपर तुम्हारा ये इमरान खान का ही बहुत वो हंसी मजाक उड़ा था। इमरान खान बोलता है कि हमको उइगर मुस्लिम के बारे में कुछ पता नहीं है। काहे नहीं पता है तुमको, तुम बोल नहीं पा रहे हो। उस समय इंटरनेशनल मीडिया से पूछा था, जाके देख लो यूट्यूब पे, आई डोंट नो द सिचुएशन ऑफ उइगर मुस्लिम, ऐसे बोलता है। अब जबकि तुम झंडा लगा कर पड़े हो कि तुम मुस्लिम को देखना चाहते हो। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स जो वॉयलेशन हो रहा है उइगर मुस्लिम्स को लेके, ये भी आवाज़ ऑस्ट्रेलिया उठा रहा है। और यही कारण है कि बाबू चाइना क्या है कि डेवलप्ड कंट्री नहीं हुआ है, समझे, क्योंकि जिनजियांग प्रोविंस अभी भी समृद्ध नहीं है। देखो सर, इस पर ये भी है कि चाइना कुछ कुछ मतलब ट्रेड में टैक्सेस मतलब चढ़ाने लगा था, इसलिए भी मतलब इस तरह एक रीजन यूएस को एलिगेशन ही लगाता है। देखो, एक डेवलप्ड कंट्री के बनने में तुमको 10-12 फैक्टर्स होते हैं। इंडिया तो है ना सर, हाँ, लेकिन यूएस ने भी बोला था कि ट्रेड जो है, बिल्कुल बिल्कुल, एलपीजी एक डेवलप्ड कंट्री का ये भी होता है कि एलपीजी हो उसमें, ग्लोबलाइजेशन बचाने के लिए, बिल्कुल ट्रेड बैरियर ना हो, समझे। देखो तो यही बोला है कि उइगर मुस्लिम क्या है कि आप डेमोक्रेसी का वहाँ पे वो कर रहे हैं, और हांगकांग का इशू भी इसने भी उठा दिया, साउथ चाइना सी में इतना माइट दिखा रहा है, ये तो तुम यूएस को भी जोड़ सकते हो। जो नहीं कि जो दया है वही है, यूएस तो हर समय स्टेटमेंट दे ही रहा है साउथ चाइना सी को लेकर, है ना। ऑस्ट्रेलिया देगा ही, इसलिए क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया क्वाड करना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल करना पड़ेगा, आओ आप आई, हाँ बिल्कुल। जापान बोला हम तैयार है, हाँ इंडिया तैयार ही है, इधर चार मिलके मिलिट्री ड्यूल करेगा, आपको आराम से लपेट लेगा। देखो समझ गए, अब डिसीजन देखो, ये तो थॉट प्रोसेस हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने एक्शन क्या लिया है। तो एक्शन देखो, ये बोला है यूएस और ऑस्ट्रेलिया क्या बोला, वही सबमिट में जाके बोला कि टॉप सीक्रेट डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क होगा, ताकि चाइनीज मिलिट्री एग्रेशन जो इसको कंट्रोल करें, काउंटर करेंगे जी इसको, बहुत उड़ रहा है साउथ चाइना सी में ये सब। इंडियन ओशन में खूब अपना दबदबा बनाने का प्रयास करा, स्ट्रिंग अपन हमन टोटा को तोड़ते हुए, कैपी पोर्ट को तोड़ते हुए म्यांमार का, ठीक है, इधर तुम्हारा इसको तोड़ते हुए जिबौती को लेते हुए, ग्वादर पोर्ट को लेते हुए, बात को समझो, इंटरनेशनल रिलेशन है, ठीक है। अब बोला अर्लियर क्या बोला, ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया 5G नेटवर्क से भी बैन कर दिया, ठीक है, और बोला कि अब हम डिफेंस में बढ़ाएंगे पैसा। कोई कंट्री डिफेंस में क्यों बढ़ाता है, जब कोई कंट्री डिफेंस बढ़ाता है तो अगला कंट्री का भी कान खड़ा हो जाता है, ये जान लेना, यानी कि वो मजबूती देना चाह रहा है अपने कंट्री को, ठीक है। इनिशियल डिमांड फॉर इंटरनेशनल प्रोपेगेशन कोविड 19 का तो जानने रहे हो, सब कंट्री बोल रहा है क्या ही WHO है क्या, हाँ, और बुढ़ाऊ इथोपिया का काम गड़बड़ा रहा है कि नहीं, इथोपिया वाला ये तो लालचन लाया ही रहा है, पहले भी बताए थे, ठीक है। यूरोपियन यूनियन एज अ होल, अब तो यूके निकल गया ब्रेक्सिट से, है ना, पहले 28 स्टेट्स थे यूरोपियन यूनियन में, यूके अलग से भी अभी कर चुके हो, अब एज अ यूरोपियन यूनियन में फ्रांस, जर्मनी, इटली सभी चीज़ आ जाएंगे, जानते हो। अब देखो थॉट प्रोसेस क्या है, तो थॉट प्रोसेस यही है कि यू हैज कॉल्ड फॉर अ मोर यूनाइटेड अप्रोच, 27 जो है सब मिलकर काम करेंगे, इसके ऑथोरिटेरियन टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, टोटल मतलब क्या है कि एक पार्टी का सत्ता है, ह्यूमन राइट्स को धता भरा, डेमोक्रेसी कुछ है ही नहीं इसके लिए। और ये क्या है, यूरोपियन यूनियन हो गया बाबू, हो गया बात खत्म, यूरोपियन यूनियन क्या है, कुछ नहीं बोलना है, बोलना है जब खत्म हो जाएगा तो जितना बात करना हमसे करो, ठीक है ना, हम मना नहीं करते हैं ना, तुम्हारा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हम करेंगे, हम भी डेमोक्रेसी का ही वो है, मगर मेरा भी डेमोक्रेसी है बोलने का, ठीक है, इसलिए खत्म हो जाएगा, तो 5 मिनट खत्म हो जाएगा। तो बात समझे कि ये 20 यूरोपियन यूनियन क्या अपने आप को स्ट्रेंथ कर रहा है, ताकि कोलेट्रल यानी कि यूनाइट होकर लड़े किसके अगेंस्ट, चाइना के अगेंस्ट, ठीक है। क्यों, चाइना में जानते हो डेमोक्रेसी का कोई प्रचार नहीं है। एक्शन देखो, एक्शन ये क्या है कि हांगकांग सिटीजन को एक्सटेंड कर दिया वीजा, आओ आओ हमारे घर में रहना है जी, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे तुमसे, आ जाओ, एक्सटेंड करवा दिए वीजा, एक्सटेंड कर दिए, और रिस्ट्रिक्ट कर दिए स्टूडेंट, चाइना के स्टूडेंट अब हम बहुत कम लाएंगे इंडिया में, और बैन कर दिए टीयर गैस, यूके से जाता था, यूरोपियन यूनियन से जाता था तुम्हारा चाइना में, तो चाइना में जाता था, चाइना लोग हांगकांग में यूज़ कर रहा है टीयर गैस का प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, बैन कर दिया, अब नहीं जाएंगे, अब नहीं देंगे तुमको टीयर गैस, जाओ तुमने बहुत मिसयूज़ किया डेमोक्रेसी को, ये भी तो एक्शन है। अब इसमें पर्टिकुलरली यूरोपियन यूनियन में थोड़ा एक फ्रांस भी देख लो, ये फ्रांस का क्या अप्रोच है, फ्रेंच फॉरेन मिनिस्ट्री हैड टेकन एक्सेप्शन टू स्टेटमेंट बाई चाइनीज डिप्लोमेट्स, ये भी क्या है कि जो स्टेटमेंट जो दिया था चाइनीज डिप्लोमेट उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट दिया है, और डिसीजन क्या है देखो, ये भी बोला है कि भी जो लाइसेंस देने वाला था 5G मोबाइल के लिए नेटवर्क के लिए वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा,
बहुत ज़्यादा। और फ्रांस क्या बोला, रिस्ट्रिक्ट चाइनीज एयरलाइंस को भी रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया, मात्र एक पैसेंजर फ्लाइट एक वीक में होगा। और जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में चाइना भी इसको रिटेलिएट करे, चाइना भी फ्रांस के लिए वही कर दे, वही रिटेलिएशन बोला है, ठीक है। अब देखते हैं इंडोनेशिया, वही साउथ चाइना सी इंडोनेशिया, ठीक है, वही बोला इंडोनेशिया है आर्क डेट चाइना टू अवॉइड बाय द, वही बोला इंडोनेशिया बोला कि आपको वही इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी मानना चाहिए, वही अनक्लोज इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी, ये मानना चाहिए, जबकि उसको मान नहीं रहा है ना, मानना चाहिए, डिस्प्यूट को सेटल करना चाहिए, 200 नॉटिकल माइल्स तक जो कहानी है उसके हिसाब से सबको अवॉइड होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। एक्शन क्या है, एक्शन यही कि इंडोनेशिया ने क्या बोला कि अब हम इंडिया जैसा कंट्री को उससे हम डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे। और यही कारण है कि यही कारण है कि 2018-19 में एक सबंग सुने हो नहीं सुने हो, सबंग वहाँ पे डिफेंस तैयार हो रहा है, जैसे हम्बनटोटा एयरपोर्ट हुआ ना, पोर्ट सबंग पोर्ट वहाँ पे अंडमान निकोबार नीचे आओगे, और सुमात्रा जो है, सुमात्रा क्या है, इंडोनेशिया का पार्ट है, हाँ, तो सबंग है वहाँ पे, देख सकते जाओ देखो तो सबंग है कि नहीं है वहाँ पे, सबंग एरिया सुमात्रा के ऊपर टिप पॉइंट देखो तो सुमात्रा नहीं जी, वो सुमात्रा नहीं है, देखो सबंग है यहाँ पे लिखा है, देखो ये देखो यहाँ पे लिखा नहीं है, देखो ये वाला एरिया, ठीक है, अंडमान निकोबार, ये सुमात्रा है, ये वाला एरिया, ये सबंगपुर बोलते हैं, ये सबंगपुर इंडिया और क्या करेंगे इंडोनेशिया मिलके बनाएंगे, ठीक है, जैसे कि चबहार पोर्ट इंडिया और ईरान बनाने का बात करता था, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, वो हाथ से निकल गया है मेरा, ठीक है, हो गया यार, वो बात करना ना बाद में भी, समझ लो ना गधा, लास्ट है, हमको समझ में नहीं आता है कि तुम वो बात कैसे कर पाते हो, म्यांमार, ये समझ गए बात को, तो क्या हो रहा है कि इंडोनेशिया क्यों, देखो कोई कंट्री नेबरिंग कंट्री को अटैक करना है तो नेबरिंग कंट्री का हेल्प लोगे ना, जैसे इंडिया पाकिस्तान को इनकाउंटर करना है तो अफगानिस्तान को अप्रोच करता है कि नहीं है, चाइना को गिराना है तो नेपाल को अप्रोच करता है, देखो भूटान को अप्रोच करके रखा है कि नहीं रखा है, बफर जोन है इसलिए, समझे ना बात को, नेपाल क्या है जानते हो, समीकरण नेपाल का रोटी बेटी वाला अग्रीमेंट कितना टूट गया है अभी, है ना। लास्ट म्यांमार, देखो म्यांमार के साथ भी यही है कि देखो म्यांमार का पहले थॉट प्रोसेस समझो कि म्यांमार ऑल पावरफुल जनरल्स हैज एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन अगेंस्ट चाइनीज इंटरफेरेंस, जो चाइनीज जैसे कैप्यू पोर्ट, ठीक है, कैप्यू जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है ना, तो कैप्यू पोर्ट भी डेवलप करने वाला है म्यांमार में, मगर म्यांमार में क्या है कि मिलिट्री का ज़्यादा बोलबाला है, ऑंग सैन सू की का नाम सुने हो ना, सुने हो, जो प्रजातंत्र में जीत के आई थी, पहले मिलिट्री रूल था वो जीत के आई थी, उसको पीस की तरफ बाहर भी मिला था, पीस अवार्ड भी मिला था बाहर, याद करो, मगर यहाँ पे विगर मुस्लिम, वो बोला रोहिंग्या मुस्लिम का जिक्र आ जाएगा, जीतने के बाद भी रोहिंग्या मुस्लिम को सुरक्षा नहीं मिल रहा वहाँ पे, ये दौड़ते हुए बांग्लादेश में आए, फिर बांग्लादेश इंडिया में आए, तो इंडिया में बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो गया इसके ऊपर, समझ रहे हो, अब क्रोनोलॉजी समझो, तो इसमें क्या है, इसमें ये बोला है कि ये भी म्यांमार भी बोल रहा है कि चाइना का जो इंटरफेरेंस हो रहा है हमारे कंट्री में म्यांमार में, वो ठीक नहीं है, और हमको एग्री, जैसे एग्जांपल देख रहे हो ना पाकिस्तान में, अभी एक वीडियो पूरा एक वीडियो अभी पाकिस्तान का निकला है कुछ दिन पहले कि पाकिस्तान में लोग को मार रहा है कि नहीं मार रहा है चाइनीज इंजीनियर लोग, नहीं देखे हो तुम लोग, सोशल मीडिया पे वायरल है ये वीडियो, चाइनीज इंजीनियर लोग वहाँ के लोग को मार रहा है पाकिस्तान में, प्रोटेस्ट हो गया पाकिस्तान में, तो है ही ना चाइनीज वहाँ पे, इंजीनियर है ही ना, सीपीसी पास हो रहा है, हाँ, तो यहाँ इसलिए वहाँ का जनता लोग बहुत गुस्से में है, कुछ नहीं बोल वही ना, देखो देखो समझो समझे, चाइनीज इंटरफेरेंस के अगेंस्ट है, और जितने भी फॉरेन पावर्स हैं, ठीक है, जो इंसर्जेंसी वहाँ बढ़ाना चाहिए, इंसर्जेंसी मतलब क्या, टेररिस्ट अटैक्स या गलत जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ख़राब हो सकता है, ठीक है, तो म्यांमार क्या बोल रहा है कि ये जो टू एग्रेसिव पॉलिसी है चाइना का, ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। अब इसके लिए एक्शन क्या लिया है, तो एक्शन म्यांमार गवर्नमेंट ने ये लिया है कि डिसाइड टू इंक्लूड फॉरेन पार्टनर्स इन मेगा यांगोन सिटी प्रोजेक्ट, जो पहले उसका सिटी प्रोजेक्ट था जिसमें चाइनीज का बहुत पहले इन्वेस्टमेंट था, अब बोला कि दूसरे कंट्री के लिए भी खोल देगा, ठीक है, जो कि पहले तुम्हारा बेल्ट रोड इनिशिएटिव बीजिंग के अंदर आता था ये पोर्ट, अब बोला कि दूसरे के लिए भी खोल देगा, इसका मतलब क्या कि चाइनीज इंटरप्राइजेस को यहाँ पर रोक देगा, कम कर देगा, लिमिट कर देगा, तो बात समझ रहे हो कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आना चाह रहा था चाइना का, वो भी अब गुस्सा गया है चाइना का एग्रेशन देखते हुए। दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज करंट अफेयर्स।